वेलकम दोस्तों, आप सबों का हमारे इस चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। जिस तरह से आप हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं, आई होप आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। और आप अगर बिगिनर हैं तो आप नए नए कॉर्ड्स को सीख रहे होंगे और गिटार को किस तरह से प्ले करना है आप सीख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नए लेसन को लेकर आया हूँ, जिसमें हम एक नए टाइमिंग को सीखेंगे और एक नए फिंगर पैटर्न को ऐड करेंगे और हम लोग एक नए स्ट्रमिंग पैटर्न को भी सीखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे गिटार की ओर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन में सीखा था, अगर आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से गिटार को सीख रहे हैं। और उसी में से एक वीडियो में था कि हम लोग टाइम सिग्नेचर को सीख रहे थे, टाइम को 1 2 3 4 इस तरह से था टाइमिंग। और नेक्स्ट टाइमिंग जो था उसका 1 and 2 and 3 and 4 and। तो मैं इसी चीज़ में और एक नई चीज़ को ऐड करूँगा और अब क्या करूँगा मैं 1 E and R। ये चीज़ नया है आपके लिए। अब क्या करना है, सेकंड में फिर से करना है 2 E and R, 3 E and R, 4 E and R। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले प्रेस कर रहा हूँ 1, फिर अप कर रहा हूँ E, फिर डाउन कर रहा है एंड, फिर अप कर रहा हूँ आ। तो क्या कर रहा हूँ 1 E and R। फिर 2 में भी वैसे करना है 2 E and R, 3 E and R, 4 E and R। अब क्या करना है, यही स्पीड को मेंटेन करते हुए आपको करना है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ 1 E and R, 2 E and R, 3 E and R, 4 E and R, 1 E and R, 2 E and R, 3 E and R, ऐसे करते 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 करते। ऐसे करते करते आपको क्या करना, 12 फेट तक आना है। और इसी एक्सरसाइज को आप क्या करना, सभी स्ट्रिंग्स पे करना है। ये आपके लिए एक नया लेसन हो गया है। और मैं एक नया रिदम को ऐड करता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने ई मेजर सीखा था, फिर ई मेजर सीखा था, फिर डी मेजर सीखा था, अब मैं क्या करूँगा, एक पैटर्न को ऐड कर रहा हूँ, रिदम पैटर्न को। तो क्या करना, डाउन डाउन क्या कर रहा हूँ, डाउन डाउन क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर की ओर कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले ऊपर डाउन, फिर क्या कर रहा हूँ, नीचे डाउन। तो यही चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है। कॉर्ड चेंज करूँगा, अब क्या कर रहा है, इसको फास्ट कर देते हैं। इसको इंग्लिश में हॉर्स बीट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं घोड़ा बीट। थोड़ा फनी है पर यही है, बहुत मज़ेदार है। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी प्ले कर सकते हो इस घोड़े बीट को। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और ये लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। क्योंकि इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और हम और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।